हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस कैरियर एकेडमी। आज है 22 फरवरी 2022 और 22 फरवरी से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं करंट अफेयर के, उन सभी को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ में हर करंट अफेयर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक ध्यान से देखिएगा। आज के इस करंट अफेयर की PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप जीएस कैरियर एकेडमी से डाउनलोड कर सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? तो इस बार 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर का पुरस्कार पुष्पा द राइज नामक मूवी को मिला है, जो कि अभी हाल ही में रिलीज हुई है। अब बात आती है दादा साहब फाल्के अवार्ड की, तो यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं, ये है दादा साहब फाल्के, जिनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है भारतीय बॉलीवुड में। अच्छा, इन पुरस्कारों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो पहली बार इसको 1969 में चालू किया गया था, जिसके बाद लगातार इन पुरस्कारों को हर साल दिया जाता है। आगे देख लेते हैं अलग अलग कैटेगरी में किसे पुरस्कार मिले हैं। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म बनी है शेरशाह, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता इस बार बने हैं रणवीर सिंह, इनको मिला है फिल्म 83 के लिए यह पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बनी है कृति सेनन, किस फिल्म के लिए इनको चुना गया है? तो मिमी नाम की फिल्म आई थी, उसके लिए इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है। आगे है सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का, तो इसमें मिला है अनदर राउंड नामक फिल्म को। आगे फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए आशा पारेख को भी अवार्ड मिला है। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है केन घोष को। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अवार्ड हैं जो इस बार दादा साहब फिल्म पुरस्कार 2022 में घोषित किए गए हैं। आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म में मिला है शेरशाह को और फिल्म ऑफ द ईयर में मिला है पुष्पा को। अब देख लेते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी हाल ही में आपको पता होगा बीजिंग ओलंपिक समापन हुआ है, तो बीजिंग शीतकालीन यानी विंटर ओलंपिक 2022 के मेडल तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्वे। नॉर्वे इस बार शीर्ष पर रहा है मेडल तालिका में। अब बात आती है नॉर्वे ने कितने मेडल जीते हैं, तो नॉर्वे ने टोटल 37 मेडल जीते हैं। दूसरे नंबर पर कौन सा देश रहा है? दूसरे नंबर पर रहा है जर्मनी। ठीक है, जर्मनी को कितने मेडल मिले हैं? टोटल 27 मेडल जर्मनी को मिले हैं। और तीसरे नंबर पर रहा है चीन, चीन को मिले हैं टोटल 15 मेडल। और अपने देश भारत को एक भी मेडल नहीं मिले हैं। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, शीर्ष पर रहा है पूछा गया है, तो इस बार शीर्ष पर नॉर्वे रहा है। आपको ध्यान रखना है शीर्ष पर नॉर्वे था, सेकंड पोजीशन पे जर्मनी और तीसरे नंबर पर चीन। आगे बात कर लेते हैं बीजिंग ओलंपिक 2022 से रिलेटेड महत्वपूर्ण बातों को। तो बीजिंग विंटर ओलंपिक 2022 का समापन समारोह कहाँ हुआ है? इसका आयोजन हुआ था बीजिंग का स्टेडियम है बर्ड नेस्ट स्टेडियम। तो नाम आपको याद रखना है, स्टेडियम का क्या नाम था? बर्ड नेस्ट स्टेडियम। इस खेल में कितने देशों ने भाग लिया था इस बार? तो टोटल 91 देशों ने इस बार भाग लिया था। इस बार इस ओलंपिक का शुभंकर क्या था? तो शुभंकर का नाम था बिंग ड्वेन ड्वेन। भारत की ओर से एकमात्र खिलाड़ी आरिफ खान ने इस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था। पहले विंटर ओलंपिक का आयोजन कब और कहाँ हुआ था, अगर ऐसा प्रश्न आता है, तो पहला विंटर ओलंपिक फ्रांस में आयोजित हुआ था वर्ष 1924 में। और जो अगला विंटर ओलंपिक का आयोजन होना है तो इटली देश में होगा, और कब होगा? तो 2026 में। इतनी बातें आपको इस क्वेश्चन से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोक ओवन प्लांट का शिलान्यास किस शहर में हुआ है? तो अभी हाल ही में हमारे देश के केंद्रीय इस्पात मंत्री श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह द्वारा यह कोक ओवन प्लांट का शिलान्यास मैंगलोर शहर में किया गया है। मैंगलोर कहाँ का शहर है? तो मैंगलोर कर्नाटक का शहर है, जहां अभी कोक ओवन प्लांट का शिलान्यास हुआ है। इस प्लांट में किस चीज का प्रोडक्शन किया जाएगा? तो इस प्लांट में स्टील यानी इस्पात का प्रोडक्शन किया जाएगा। आगे इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। तो यह शिलान्यास केंद्रमुख लौह अयस्क कंपनी है, KIOCL, इसमें इसका शिलान्यास किया गया है, जो कि मैंगलोर शहर में है। कंपनी का नाम क्या है? KIOCL। भारत ने वर्ष 2030 तक 30 करोड़ टन कच्चे इस्पात के उत्पादन का लक्ष्य रखा है। तो भारत 2030 तक 30 करोड़ टन कच्चे इस्पात के उत्पादन का लक्ष्य रखा है। विश्व भर में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है इस्पात का? तो
चीन सबसे बड़ा उत्पादक देश है स्टील का, और दूसरे नंबर पर आता है अपना देश भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 फरवरी को दुनिया भर में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है? तो अभी 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस दुनिया भर में मनाया गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अब इससे जुड़ी हुई बातें देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको हर दिवस की थीम जरूर याद रखनी है आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए। अच्छा, इस दिवस की थीम क्या थी? तो इसकी थीम रखी गई थी 2022 के लिए, बहुभाषी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, चुनौतियां और अवसर। तो इस वर्ष की थीम यह थी। इस दिवस को मनाने की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 2000 में, और शुरुआत किसने करी थी? तो यूनेस्को द्वारा इसका निर्णय लिया गया था। पहल किस देश ने करी थी? अगर ऐसा पूछा जाए तो पहल सबसे पहली बार बांग्लादेश ने करी थी। बात आती है इम्पोर्टेंट डेट्स की, तो अभी हाल ही में फरवरी में जो इम्पोर्टेंट डेट्स मनाए गए हैं एक बार देख लेते हैं। 1 फरवरी को मनाया गया है भारतीय तटरक्षक बल स्थापना दिवस, 2 फरवरी को मनाया गया है विश्व आर्द्र भूमि दिवस, 4 फरवरी को मनाया गया है विश्व कैंसर दिवस, 8 फरवरी को मनाया गया है सुरक्षित इंटरनेट दिवस, 10 फरवरी को मनाया गया है विश्व दलहन दिवस, फिर आपके 12 फरवरी को मनाया गया है राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस, 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस, और 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं जो अभी फरवरी के महीने में मनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 चुना गया है? तो आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ हैं संदीप बख्शी, इनको बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 चुना गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? संदीप बख्शी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले देख लेते हैं आज का पहला नॉलेज बूस्टर। आज का पहला नॉलेज बूस्टर आपके लिए, अभी जो 2021 और 22 में जो कुछ प्रमुख जीआई टैग दिए गए हैं, तो नागालैंड के नागा खीरा को जीआई टैग मिला है, राजस्थान के सोजत मेहदी को जीआई टैग मिला है, तेलंगाना राज्य के तेलिया रुमाल को जीआई टैग मिला है, फिर आपके उड़ीसा के कंधमाल हल्दी को जीआई टैग मिला है, असम के जुडीमा राइस वाइन को जीआई टैग मिला है, और जम्मू कश्मीर के केसर को जीआई टैग मिला है, महाराष्ट्र का है बाड़ा कोलम चावल, इसको भी जीआई टैग मिला है, और जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट है जो कि 2022 में ही मिला है, बिहार के मिथिला मखाना को। तो इसको आपको जरूर याद रखना है क्योंकि अभी हाल ही में बिहार के मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया है। अब देख लेते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत कितने जिले हर घर जल बने हैं? तो जल जीवन मिशन के तहत अभी 100 जिले हर घर जल बने हैं। बात आती है जल जीवन मिशन की, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 2019 को। कब हुई थी? 15 अगस्त 2019 को, और इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस मिशन की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कितने साल के बच्चों के लिए सरकार ने 2 व्हीलर्स वाहनों में हॉर्नेस बेल्ट और हेलमेट को अनिवार्य किया है? तो यह पहले आप देख लीजिए हॉर्नेस बेल्ट होता क्या है। यह एक तरह का हॉर्नेस बेल्ट है जो कि 4 साल से कम बच्चों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। यदि कोई व्यक्ति अपने 4 साल से कम बच्चे को मोटरसाइकिल पर ले जाता है तो उसके लिए अब एक हेलमेट और एक हॉर्नेस बेल्ट अनिवार्य किया गया है। इस नियम को सेंट्रल मोटर एक्ट नियम 1989 में बदलाव करके बनाया गया है। अभी इसका नोटिफिकेशन आया है और आने वाले 6 महीनों में इसको अनिवार्य रूप से प्रभावी किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ यानी आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी चेतन घाटे को इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। यह इमेज में देख सकते हैं, ये है चेतन घाटे, जिनको वर्ष 2014 में 45 साल से कम उम्र के देश के सर्वश्रेष्ठ शोध अर्थशास्त्री के लिए महला नोबिस मेमोरियल स्वर्ण पदक मिला था, और अभी हाल ही में इनको इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ का नया निदेशक बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? अभी हाल ही में बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, वहां पे इसका आयोजन हुआ है यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ के शिखर सम्मेलन का,
ब्रुसेल्स कहाँ की राजधानी है? बेल्जियम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो अभी हाल ही में 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं गौतम सवांग, इनको ही आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है। आज का अगला नॉलेज बूस्टर है आपके लिए, तो संसदीय प्रमुखों की बात कर लेते हैं। इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपकी एग्जाम में जरूर बनता है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिएगा। राज्यसभा के सभापति कौन है वर्तमान में? श्री एम वेंकैया नायडू। और राज्यसभा के उपसभापति कौन है वर्तमान में? हरिवंश नारायण सिंह। राज्यसभा के महासचिव कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन है मौजूद वर्तमान में? तो मल्लिका अर्जुन खड़गे वर्तमान में राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष है, नेता विपक्ष है। प्रतिपक्ष और विपक्ष को एक ही होता है। अगला है, राज्यसभा में नेता सत्ता पक्ष कौन है? तो पीयूष गोयल जी राज्यसभा में नेता सत्ता पक्ष है। ठीक है, अगला है लोकसभा अध्यक्ष, यह कौन सी लोकसभा है? तो 17वीं लोकसभा है, और इसके अध्यक्ष कौन है इस बार? ओम बिरला जी। ओम बिरला जो कि कोटा से सांसद हैं और लोकसभा के अध्यक्ष भी हैं। अच्छा, लोकसभा में नेता विपक्ष कौन है? तो ये अभी ये सीट वैकेंट है। इससे पहले कौन थे? पहले अधीर रंजन चौधरी लोकसभा के नेता विपक्ष थे, पर अभी ये वर्तमान में खाली है, ठीक है, सीट। अगला है, लोकसभा के महासचिव कौन है? तो लोकसभा में के वर्तमान में महासचिव हैं उत्पल कुमार सिंह। आज की इस वीडियो में 22 फरवरी के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट को हमने डिस्कस किया है। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर करा करिए, और साथ में अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके आप जुड़िए जीएस कैरियर एकेडमी के साथ, जहां आपको डेली मॉर्निंग करंट अफेयर की वीडियो मिलेगी और साथ में अलग अलग एजुकेशनल वीडियो भी आपको हमारे चैनल पे मिलेगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।